पड़ चुका है। जैसे हम सब जानते हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, अंतरिक्ष विज्ञान में, हर क्षेत्र में हम आगे हैं। और हम यह भी जानते हैं कि आज भारत 75 साल के वर्ष में विश्व का एक महान शक्ति के रूप में क्या है, उभर रहा है। भारत की संस्कृति, सभ्यता आज पूरे विश्व में क्या है, उनका उजागर हो रहा है। इन साधनाओं के बीच में हमें दुख भी होता है कि भारत 75 सालों में कहां पर पहुंचना चाहिए था, आज वहां पर नहीं पहुंच पाया है। ये हम सबके लिए बहुत ही दुख की बात है। आज भारत में वही गरीबी है। एक दिन में भूख से मरने वाले लोग भी भारत देश में हैं, और एक मिनट में हजारों लाखों रुपए कमाने वाले धीरूभाई अंबानी जैसे लोग भी क्या है, भारत देश में है। तो ऐसे इनबैलेंस में क्या है, भारत विकास नहीं हो सकता। आज हम कहते हैं कि भारत क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। भारत अभी क्या है, विकसित राष्ट्र नहीं हुआ है। अमेरिका राष्ट्र के साथ में भारत अभी ठहर नहीं सकता है। उसका कारण एक ही है, देशभक्ति की कमी हमारे देशवासियों के पास है। देशभक्ति की कमी है, ईमानदारी की कमी है। और मैं अंत में यही बात कहना चाहूँगा कि देशभक्ति क्या है, किसे हम देशभक्त कहते हैं। देशभक्त वही है, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारे SDMC समिति के अध्यक्ष अपने घर से, अपने पॉकेट मनी से पैसा खर्च करके बच्चों के लिए प्लेट्स लाके देते हैं, ये अच्छी देशभक्ति कहलाती है। और आप सभी लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों की देशभक्ति यही है, अगर आप नियति से स्कूल को आते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, आप IAS ऑफिसर बनते हैं, KS ऑफिसर बनते हैं, और देश की सेवा अगर आप कर सकते हैं, तो यही आपके लिए देशभक्ति है। और मेरे बारे में मैं कहूँ, मैं हिंदी शिक्षक होने के नाते मैं सभी शिक्षक गणों से मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा, यहाँ पर उपस्थित सभी नेताओं से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारी देशभक्ति क्या है। हमारी देशभक्ति यही है कि हम ईमानदारी के साथ अपना कार्य करें। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं ईमानदारी से मैं अपना ड्यूटी करूँ, ईमानदारी से अपने शिक्षक वृत्ति को मैं नोबल प्रोफेशन के तरह मैं निभाऊँ, यही मेरे लिए देशभक्ति है। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपनी दो बातें समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक माता।